मेरे हस्बैंड साहब जो हैं उन्होंने आना था एक दो दिन के बाद। जल्दी से रेडी हो क्योंकि हमने जाना है एक शादी पे। ओए अपनी सासू माँ के ससुराल जाना है आज। तंग तो नहीं किया इसने आपको दो दिन है? नहीं तो भी है। समझदार कर दिया। दिस इज माय फ्लोर। वाह भाई वाह। गुजरांवाला हम पहुंच चुके हैं। हमारी फ्लाइट जो है वो एंटर हो चुकी है फाइनली। क्या हो गया? क्या हो गया? घर की चाबी नहीं है मेरे पास। अरे लाइट का ध्यान। नो नो आज शुरू हो चुका है अपने वापस पुराने वाले कमरे में और बाहर मौसम बहुत ही खूबसूरत है और मेरा मौसम आज सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद इतना खुशगवार हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाहर तो हवा चल रही है उससे खुशगवार होता है या बारिश हो जाए तो खुशगवार होता है, लेकिन इकरा कवल के दिल का मौसम भी आज बहुत खुशगवार हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो हैं उन्होंने आना था एक दो दिन के बाद। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस लड़के ने सरप्राइज दिया मुझे। सुबह 6 बजे उठ के 4 घंटे की ड्राइव करके मैंने कहा जाता हूँ जल्दी जाता हूँ, दो दिन पहले आ गया। और इसने मुझे डराया कैसे? गाइस व्लॉग ये बना रहा था, इसके व्लॉग में आप लोग अरीब परवेज पे जाके देखेंगे कि मैं कितना बुरा डरी हूँ यार। और अरीब आपको जरा एक टाइम के लिए ना मेरा दिल दुल बंद हो जाता, मुझे कुछ हो जाता है, मुझे थोड़ा खुशी होगी, मुझे देख के डर गई है यार। मैं नींद में थी, मैं मुझे बहुत खुशी हुई है। करें और जल्दी से रेडी हो क्योंकि हमने जाना है एक शादी पे। अरे अभी? हाँ जी। आप मुझे फोन कर दे, मैं रात को कपड़े तो निकाल लेती यार। शादी पे जाना कोई खाला जी का वाड़ा यार। तुम्हारे ससुराल में एक शादी थी। हाँ। मुझे याद नहीं रहा, तो मैं बताना जल्दी से तैयार हो, पहुंचना है हमने और शादी है भी आउट ऑफ सिटी, गुजरांवाला में शादी है। ओके। मेरे जो दाद के है ना वो रहते हैं। इट्स मीन कि मुझे आपकी मम्मी के ससुराल जाना पड़ेगा। Exactly. ओए अपनी सासू माँ के ससुराल जाना है आज। मैंने भी रेडी होकर घर आ रही है। ठीक है, वेट कर रहा है। ठीक है, बिल्ली नहीं आई बाकी सारे। बिल्ली को सच्ची गाइस मैं बिल्ली को बहुत मिस कर रही हूँ यार। बिल्ली घर नहीं आ रही है ना, बिल्ली को मिस कर थी ना पीछे। आप मेरा बिल्ला है। मैं वापस जा रहा हूं। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अभी मुझे घर जाना है अपने ससुराल और उसके बाद मुझे जाना है अपनी सासू माँ के ससुराल, तो भाई उसके लिए होना है हमको बेस्ट वाला तैयार। शादी के एसेंशियल्स लेके शादी के जो मेरे यहाँ पे चीजें पड़ी हुई थी। अल्लाह ये क्या है? और मेरे पैसे गिर रहे हैं। ये अरे ये 5,000 का नोट नहीं है, 100 रुपए का नोट है यार। चलो मम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तंग तो नहीं किया इसने आपको दो दिन है? नहीं तंग करती है, बच्ची सियानी हो गई है। तो वो कह रही तंग करती है, बच्ची सियानी हो गई है। समझदार कर दी। अब हम जा रहे हैं शादी पे, हमने जाना आउट ऑफ सिटी, सो के जल्दी तैयार हो, लेट ना करें। हाँ जी, मैंने अपनी सासू माँ के ससुराल जाना। हाँ जी। चले जी गाइस, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हुआ चाहता है क्योंकि मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। खुदा हाफिज़ फातिमा, मुझे ज्यादा मिस मत करना, कल हमें बड़ा मजा आया था। नहीं करूँगी मिस। ओके मम्मी, अरे भाई वेट कर रहा है। ओके खुदा हाफिज़। ओके मानो, अच्छी अच्छी जिम करो। ओके गाइस, वैसे हमेशा इंसान जब भी जल्दी निकलता है ना कोई चीज अपनी घर भूलाता है, और मैं सबसे मेन चीज अपनी घर भूलाई हूँ, चार्जर, और वापस मुड़ रहे हैं हम लोग घर के लिए। अरीब ने कहना एक तो मैंने तेनू पहले क्या छेती छेती तैयार हो जा, जितना लेट हो रहे हो ना उतना कोई मसला, कोई ना कोई मसला, जितना लेट, जितना जल्दी कहा हो उतना अगला लेट होता है। ये बात अभी पहुंचते अपना चार्जर पिक करते हैं, चार्जर के बगैर तो मेरा फोन भी नहीं चलेगा यार, व्लॉग कैसे करूंगी। तो यहाँ से चल के अपने घर पहुंचते हैं और अपना चार्जर पिक करते हैं। पिक कर लिया मैंने अपना चार्जर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी मेरे घर पे अपने साजो सामान के समेत। अब मेरे पास जो है वो टाइम बहुत कम है, मुझे इस कम टाइम में शावर भी लेना है, कपड़े भी प्रेस करने, जूलरी भी निकालनी है, बैग भी निकालना है, सब कुछ करना है, इतना सब कुछ करना है। तो बस वो जाके और अपने हस्बैंड के भी कपड़े निकाल रहे हैं, जाके फटाफट करके लेट्स गो। मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अरीब के लिए, ब्लैक ड्रेस, अपने लिए मैरून ड्रेस क्योंकि बारात का इवेंट है, साथ में ये बैग है, साथ में ये कड़े हैं, साथ में ये ज्वेलरी है। तो बस अब मैं तैयार होके आती हूँ, लेट्स गो। मैं हो चुकी हूँ तैयार एकदम चकाचक, और अरीब साहब भी रेडी हो चुके हैं। आज काला जोड़ा पाया साड़ी पर मैच, आज लाल जोड़ा पाया साड़ी पर मैच है। दिस इज माय फ्लोर। वाह भाई वाह वाह भाई वाह। सब कमेंट में बताएं। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आप बताएं कैसी? बहुत अच्छी बहुत अच्छी। सीरियसली आज मैंने अपने बाल खुद बनाए हैं, हीरा के सहारे के बगैर बनाए हैं। चेक करें, मैंने ना उसके टोटका उसको अमल करने की कोशिश की थी, थोड़े बहुत कर्ल्स डाले हैं,
देखें कितने अच्छे कर्ल्स डाल गए। करीब साहब जो है ना वो बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, अब हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। आप नहीं जा रहे? बिल्ली के अब्बू तो काके की याद में जाना ही भूल गए। ज्यादती नहीं होगी वैसे, बिल्ली देख ले वापिस आ जा घर, जग सुना सुना लग रहा है। अरीब साहब बैठ गए हैं, बाकी बच्चे भी बैठ गए हैं तैयार शहर होके। अभी निकले निकले कौन आया था? कॉकरोच कह रहा है गाड़ी में कॉकरोच आ गया था। ओहो फिर आपने मार दिया उसको? यस। लाहौर से हम लोग रवाना हो चुके हैं सीधा अब गुजरांवाला की जानिब। और किसी कितने देर में हम बनेंगे, हमने एक दफा पहले भी सफर किया था गुजरांवाला का, फंस गए थे वो वाले सफर में, तो बहुत बुरा फंसे थे हम। मुझे अभी भी याद और मैंने आपको उस मुश्किल से निकाला था। यस याद है, गाड़ी चलाई थी तुमने। मेरी ड्राइविंग स्किल्स तब काम आई थी, मुझे भी सेम याद आ रहा। अभी तो रात का टाइम, अब सही वाले रास्ते पे जाना, नेविगेशन को कहना कि सही वाले रास्ते, पता लगे आज फिर फंस गए। फंक्शन का टाइम होता है 7 से 8 बजे, 9 बज गए हैं, वी आर स्टिल स्टक इन ट्रैफिक। और गुजरांवाला हम पहुंच चुके हैं। यस अब जो है गुजरांवाला हम पहुंच चुके हैं, बस अब शादी हॉल पे अगर हम 10 बजे पहुंचेंगे तो बर्तन धोने पड़ेंगे। री सिर्फ बर्तन धोने पड़ेंगे, बाद में थोड़ी देर बैठने को निकल आएंगे। अभी बस चलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, दूल्हे की गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी हैं। मेरे हस्बैंड लग रहा है कि रुखसती होने लगी है, उन्होंने कहा ना अब आयो, तुझे हाथ लाना है, 2 घंटे लागे तो रुखसती करवाना आयो। हाँ फाइनली हम लोग शादी पे पहुँच चुके थे, यहाँ पे इतना सारा रश लग चुका था, अभी फोटो शोटो बनाने में मसरूफ रहे। हमारी फ्लाइट जो है वो एंटर हो चुकी है One hour later. चलिए जी गाइस, शादी से हम लोग निकल आए थे। दो दो ब्राइड्स थी, बहुत ही खूबसूरत ब्राइड्स थी। अल्लाह पाक उनके नसीब बहुत 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 अच्छे करे। अभी हम लोग निकल आए हैं, हम जल्दी इसलिए निकल आए हैं क्योंकि हम लोगों को काम था, हमने जल्दी घर पहुंचना है। बाकी जो फैमिली थी वो वहीं पर रुकेगी क्योंकि उन्होंने जो है ना वो बाजी अपनी वहां से निकल जाएंगी अपने शहर चश्मा, और हम लोग जो है वो जा रहे हैं अपने शहर लाहौर। और टाइम से इसलिए निकल आए क्योंकि जाते जाते भी टाइम लग जाना था। हाँ। तो हमने कहा टाइम से निकले, सबसे मिलके वो मजा आया। तुम्हें मजा आया? कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा यहाँ मैं कंफ्यूज हुई थी, वरना आपको पता है मैं अक्सर ब्लॉग करते हुए कंफ्यूज। यहाँ पे ना गाइस टाइम ही नहीं मिला क्योंकि दुल्हन की एंट्री हुई, उसके बाद हमने कहा हमने निकलना है, ऊपर से हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो वो बस फिर हमने कहा कि हम निकलते हैं। लेकिन एंजॉय किया, बहुत अच्छा था। अभी सीधा पहुंचते हैं लाहौर। रास्ते में हमारा जो काम शाम था, मीटिंग थी एक, वो अटेंड करनी थी, वो हम लोगों ने कर ली और अब पहुंच गए हैं हम लोग अपने घर पे। अब बस ऊपर चलते हैं। अरे आप किसका वेट कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? घर की चाबी नहीं है मेरे पास। अरे क्या हो गया, ना करो, घर पे कोई आया नहीं, फिर वो याद रमजान में भी हुआ था। हाँ नहीं रमजान में तो भाभी सोई हुई थी, अभी चाबी वाबी नहीं है, भाई को कॉल करें। भाई ऑफिस गया हुआ है, भाभी फैसलाबाद गई हुई है। मसला पता नहीं क्यों हमारे साथ होता है, मैंने पहले भी सोचा था चाबी गाड़ी में रखनी है, क्यों नहीं रख जाती? उसके ना 600 डुप्लीकेट्स बनवा ले, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। अगर ज्यादा मसला हुआ तो फिर मम्मा की तरफ चले जाएंगे, देखते हैं। हल तो वही है, आखिरी हल वही है क्योंकि वहाँ पे घर पे सब होंगे। क्या बता, ड्राइंग रूम बता था खुला हो? हाँ देख लें, चेक करने में कोई मसला नहीं, मुश्किल है सलवार कमीज में टापना। अरीब लेकिन ध्यान से गिर ना जाना खुद। मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना, आप यकीन करें मैं क्या बताऊँ आपको, ये लड़का फंस गए, अल्लाह ना करे। अरीब मैं क्या करूँगी, मैंने भी हील्स पहनी है, मेरे पास भी चप्पल नहीं है। आई अल्लाह, ये लड़का किसने कहा था सलवार कमीज बूट पहन के पंगा लेने के लिए? या अल्लाह अरीब लाइट का ध्यान, नहीं 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 टूटा नहीं, नहीं 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 ध्यान से ध्यान से, तेरी खैर। क्या हुआ है? जूता सकता है, ये तो खोले। क्या कहाँ से टूटा है दिखाएं? जूता वो सकता है। या अल्लाह चलो इतने से की खैर है, शुक्र है आपकी बचत हो गई। प्लीज दादा खुलाओ, ये लो प्लीज दादा खुलाओ, 1 2 3 नो नो नो, ये लो प्लीज दादा खुलाओ, ये लो प्लीज दादा खुलाओ, 1 2 ठीक है। मुझे लगता है इसको करेंगे ना कुंडी खुल जाएगी, टूट जाएगी। अरे नहीं नहीं दरवाजा टूट जाएगा, क्यों रिस्क ले रहे हैं, ये लॉक लगा है, लॉक पे खाला जी का वाड़ा खोलना। ठीक है दूसरी नहीं ना लगी, दूसरी कुंडी नहीं लगी, और ये क्या है? क्या है? अल्लाह ये तो शतूत लग रहा है मुझे, खाने वाला कसम से शतूत। अब इसका सोच क्या करें? अरे भी ना करें टूट जाएगा। मुझे लग रहा है खोल सकता है, नीचे लॉक नहीं लगा हुआ, बट स्टिल नहीं। अल्लाह अभी आपने क्या किया यार, दोबारा टूट गया, दोबारा टूट गया, मैं जो करा था ना खुल जाएगा, मुझे सही लगा नहीं हुआ।
या अल्लाह ये दरवाजा टूट गया, शिट शिट, लेकिन दरवाजा खुल गया। यार आप कौन से जमाने में इतनी शरारतें करते थे जो आपको अरे ऊपर से देखो, ओ तेरी खैर, चुटकुनी खुल गई है। ये तो ज्यादा कुछ हो गया, मुझे था कि बचत हो जाएगी। आपको लगा सिर्फ ये कुंडी टूटी है, वो देखो सिर्फ चुटकुनी है, चुटकुनी लगनी है ऊपर, जो छोटी सी नहीं लगी हुई वो जुड़ेगी। या अल्लाह मेरा हस्बैंड और उसकी फनकारियां, ये टूट गई है, ये लॉक नहीं लगा हुआ था जिसकी वजह से दरवाजा खुल गया। हाँ वरना हमेशा ये लॉक लगा होता है हमारा। टूटा और ये टूटा, अरे ये नहीं बंद था यहाँ से, ये बंद था ना, ये बंद था तो टूटा ना, ये नहीं बंद था, नहीं बंद था अरीब ये। हाँ ये भी नहीं था, ये नहीं था बंद, ये सिर्फ ऊपर ही लॉक लगा, सिर्फ ये कुंडी लगी हुई थी जिसकी वजह से चुटकुनी टूटी है तो वो दरवाजा झटके से टूट गया। लेकिन दरवाजा टूट गया यार, लेकिन ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगी लेकिन ये टूट गया, ये इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको भी अल्फी लगा देना, ये ग्लू श्लू लगा, हां ग्लू श्लू लग जाएगी, सेट हो जाएगा। अल्फी निकालो ऊपर से, चाबी पकड़ाओ, मैं चीजें निकाल लूं। ठीक है अल्फी निकालो, तुम ढूंढो, मैं आ रहा हूं फिर अल्फी से जोड़ते हैं। चलें ठीक है, वो मेरा सामान भी गाड़ी में, मेरा हैंडबैग भी पड़ा हुआ। ठीक है अल्फी को छोड़ो यार, हील्स पहन के गई थी, पांव जख्मी करवा के आ गई हूं। ये देखें ये हील्स पहनी थी, फातिमा कह रही थी अनकंफर्टेबल है, मुझे अंदाजा नहीं हुआ रही भी। ये देखें यार मेरे पांव, देखें आके निशान है, खत्म हो जाएंगे, नहीं दर्द हो रही है, नील पड़ गए हैं, ये वो टाइट होगी ना, हेल्पी ढूंढ यार का, वरना भाई से डांट पड़ेगी अपने, वो छुपाने के लिए। अल्लाह मैं बता दूंगी कि वो तो ब्लॉग तो देखेंगे नहीं, तब तक तो जब देखेगा पता चलेगा, जो खोलेगा खोलेगा उस पर इल्जाम लगा दे तब तक। या अल्लाह ये कितना शैतान आदमी, अरे बस कर दे और भाई पे इल्जाम लगाएंगे। शैतान आदमी क्या, जिसने खोला भाई भाभी, कल भाभी ने भी आ जाएगा, जिसने खोला उस पर इल्जाम लगा देगा। अल्फी दे दे अभी बस मुझे, मैं उसको सेट कर दूं प्लीज, अल्फी दे दो। अल्फी शल्फी तो नहीं मिली मुझे इस वक्त, स्मार्ट बॉन्ड मिल गया। ठीक है ये जाके अरीब को दिखाती हूँ क्या सीन है। अरे मेरी बात सुने यार, अल्फी तो नहीं मिली, इससे देखे काम चल जाएगा, इतना नहीं इससे मुझे पता नहीं है, लेकिन लेकिन अरे चल जाएगा क्योंकि वो भी येलो कलर की है, इसके अंदर की पट्टी का पता भी नहीं चलेगा। ये देखो मैंने कहा, कहने लगी वो भी येलो कलर की है, अल्फी भी येलो कलर की होती है। अल्फी नहीं इसमद ये लेकिन ये बस उंगलियों पे ना लगवा लेना, चिपक जाएगा बहुत बुरा, चिपक जाए लेकिन दोबारा सही हो जाए। इस टाइम शरारतें करके देखो, निंजा टेक्निक लगा रहा है इस लड़की, लड़का पहले काम खराब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वैसे स्मार्ट से बड़ी बड़ी चीजें जुड़ जाती हैं, ये क्या चीज है, छोटी सी काम नहीं है। एक मैंने इससे बजरियां जोड़ी हुई हैं, बॉटल वो भी शीशे की पे। पहले मिस्त्री तो नहीं होती। मैंने इससे बजरियां जोड़ी हुई हैं, बॉटल वो भी शीशे। आप पहले क्या होते थे जो आप फलांग फलांग की सारी चीजें तोड़ते हैं, मेरे ऊपर आ जाते हैं। तो छोटा बच्चा होता था जो हर घड़ी पे बोल जाती थी, टाप जाता था बोल लेने के लिए। ये बस गाइस ये बॉल वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे काम। हाँ सही बताओ, जुड़ गए। ओए पता भी नहीं हो रहा कि ये इसको कुछ हुआ था यार, ये तो ऐसे है। अभी जो ऊपर लगा हुआ ना इसको साफ कर देते हैं ताकि कोई निशान ना रहे, ताकि कोई सबूत ना रहे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, खुराफाती दिमाग मिस्टर अली परवेज का। टिश्यू पड़ा हुआ, टिश्यू पड़ा दो। टिश्यू से क्या होगा, टिश्यू से साफ नहीं होगा, टिश्यू से चिपक जाएगा वो। नहीं हाँ टिश्यू से चिपक जाएगा, इसको उंगली से कर देंगे खुद को सही हो जाएगा। फाइनली रीत साहब जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट करने में कामयाब हो चुके हैं और भंगड़ा डाल रहे हैं सुकून से, अब नहीं थके हुए, अभी एनर्जी आ गई है क्योंकि काम खराब किया था वो सेट कर बैठे हैं। सही तो बस ये थोड़ा सा है, इसको भी मैं साफ कर दूंगा। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, पत्ता भी नहीं चल रहा अरीब। बस ठीक है अब जो आएगा वो जिम्मेदार होगा। अरीब तो 2.5 किलो के हाथ वाले निकले, एक मुक्का मारा दरवाजा तोड़ दिया। अब जो है ना वो हम लोग चलते हैं ऊपर गाइस, मैं चेंज वेंज करती हूँ, आप भी कर लें फ्रेश हो जाएं, बाकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है अरे वो ये है, ये पड़ी हुई चटकनी, ये अब ये नीचे वाली लगा दें। ठीक है A few moments later. मैंने चेंज वेंज कर लिया था, अपने लेंस वेंस निकालने हैं, अभी मेकअप बस रिमूव करने लगी थी तो एकदम याद आया कि यार अभी कुछ चीजें मुझे सेट करवाने वाली रह गई हैं, तो मेरे कुछ काम पेंडिंग हैं क्योंकि ये काम जो है ना वो लटके जा रहे हैं। ये जो हमारा ऑफिस का फर्नीचर सेटल होना था, हल्की आंच पे रखा गया, ये चीज़ें रखी गई हैं लेकिन ये अभी सही करेक्ट वाली सेटिंग नहीं हुई थी। ये सोफ़ा नीचे जाना था, ये सारी चीज़ें समेटनी थी, तो बस अब मैं कह रही हूँ कि इसको भी ना लगते हाथों में आज समेट लूँ क्योंकि थोड़ी सी थकावट होती है इंसान को सफ़र के बाद, तो वो बाद में ईजी हो जाता है। तो अभी ना मैं अरीब साहब को बोलती हूँ जाके कि थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दें ताकि मैं कपड़े वगैरह रख दूं वापस ऊपर, क्योंकि आज शादी भी गए आपको पता है घर में इतने कपड़े निकल आते हैं और सोफे वगैरह अरेंज कर दें।
अरीब। हाँ जी। नींद पूरी हो गई है? अभी सोया का वो सोना है अभी तो सोने की मतलब प्रैक्टिस है। मैंने कहा आपने मेकअप रिमूव कर लिया, चेंज में जो मैंने कहा मेकअप किया है, जो मैंने मेकअप रिमूव करना है मैं कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब है आपका? अल्लाह इसका मतलब वही है जो तुम समझ रही हो, मैं कर रहा हूँ। कितने वैसे चलाक हो, आज खुद इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी प्यारी लग रही, इतनी प्यारी लग रही, लग रही थी मेकअप के बगैर, मेकअप के साथ, दोनों की तरह ही अच्छी लगती है मुझे तो। चलें फिर, मेरे अच्छे हस्बैंड है ना, मेरे प्यारे हस्बैंड है तो एक मिनट के लिए आएंगे मेरे साथ। क्या करना यार, वो जो उस कमरे में सोफा कम बेड वगैरह ना, वो सारी चीजें नीचे शिफ्ट करनी है, तो मैं कह रही थी कि अभी कर देते हैं। मेरा अंग दर्द कर रहा है, मुझे नींद से जान जा रही। सुबह 6 बजे का उठ के मैं पहले आया हूँ, 6 बजे उठ के 7 बजे निकला हूँ, 11 बजे लाहौर पहुंचा, गुजरांवाले से वापस आया हूँ, वापस आके थका हूँ, शादी पे गया हूँ, फिर 8 घंटे ड्राइव किया, मैं कहीं नहीं जा रहा। अरीब इनकार इतना लंबा, कल करेंगे, कल आज रेस्ट करने दो, बस मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बस मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, ये 2 बज गए, मुझे सोने दो। मेरे अंदर से मैंने कहा था कि मैं कर देती हूँ, खैर कोई बात नहीं, मैं तेरा इनकार सुन के मेरा दिल करे चू चाय चू चाय। चलो जी गाइस, अरीब सा क्या ये क्या कर रहे हो आप? आप मेरा सिग्नेचर स्टेप करके दिखाना मुझे, मैं खुद ही उठा लेती हूँ जाके कपड़े जो समेटने। अच्छा ठीक है, ओके चले गाइस, मैं ना ये चीजें सुबह ही करूंगी, क्योंकि अरीब साहब का ना मूड ऑफ हो जाना ना, फिर बड़ा मुश्किल से बनाना पड़ा। अभी जो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुझे मेरी फैमिली को, अपनी दुआ में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।